अच्छा, तो आप हैं वकास? जी सर। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर, माय नेम इज़ वकास असगर। आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा। आई डिड माय एफएससी फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हजरा शाम की। मैन गॉट 88% मार्क्स। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। एक लड़की सुबह उठती है, तो वो देखती है वो प्रेग्नेंट है, वो क्या करेगी? सर दोबारा रिपीट कीजिएगा। एक लड़की सुबह उठती है और वो देखती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है, वो क्या करेगी? सबसे पहले वो क्या करेगी? सर सबसे पहले वो बहुत खुश होगी और अपने हस्बैंड को बताएगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक, नेक्स्ट। आप रात को एक कार चला रहे हैं, कहीं दूर निकले हुए हैं। रास्ते में आपको तीन जगह मुख्तलिफ लोग नज़र आते हैं। एक वो लड़की जो ज़ख्मी और मरने वाली है, दूसरा आपका ऐसा दोस्त जिसने आपकी कभी मदद की थी, तीसरी एक ऐसी लड़की जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, और गाड़ी में बिठाने के लिए जगह भी एक ही है। तो आप क्या करेंगे? यानी कि तीन लोग हैं, एक लड़की जो मरने वाली है, और एक दोस्त है मेरा जिसने कभी मेरी मदद की थी, और एक वो लड़की है जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। तो सिर्फ गाड़ी में एक बंदा बैठ सकता है? गाड़ी मैं चला रहा हूँ सर। सर मैं ऐसा करूँगा कि मैं खुद उतर जाऊँगा और जो चाबी है वो अपने दोस्त को दूँगा, और उनको कहूँगा जो ज़ख्मी लड़की है उसको वो हॉस्पिटल पहुँचाए, और ख़ुद वो जो लड़की जिसे मैं मोहब्बत करता हूँ उसके साथ मैं वहाँ पर ठहर जाऊँगा। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू लास्ट क्वेश्चन। दो बाप और दो बेटे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। हर एक के हाथ में एक एक मछली होती है। दो बाप और दो बेटे मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, हर एक के हाथ में एक एक मछली होती है। जी सर। जब वो वापस घर आते हैं तो उनके पास तीन मछलियाँ होती हैं। क्या ये आप मुझे बता सकते हैं इसे? यानी कि दो बाप होते हैं, दो बेटे होते हैं, और जब मछलियाँ आती हैं तो वो तीन होती हैं। अच्छा सर, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इसका ये भी क्वेश्चन हो सकता है, जो दो बाप हैं उसमें से एक उनका दादा हो सकता है और एक उसका बेटा, और जो दो बेटे हैं वो वही उसका बाप जो है वो उसका पहले बेटा है और उसका एक और बेटा है, तो ये टोटल तीन लोग हो गए, इसलिए तीन ही मछलियाँ होंगी। यानी कि एक दादा, एक उसका बेटा और उस बेटे का एक और बेटा, तो दो बाप हो गए और दो बेटे हो गए। जी, अब आप मुझे बताइए। एक बाग का माली है जो हर सवाल पे नहीं में जवाब देता है। आपने उस बाग में से एक सेब खाना है, ठीक हो गया सर, तो आप उसे कैसे डील करेंगे, क्या करेंगे आप? वो हर सवाल पे नहीं का जवाब, हाँ जी, हर सवाल पे आप उससे जो भी पूछेंगे वो नहीं में जवाब देता है, तो आपने उससे एप्पल पूछ के खाना है, एक सेब खाना है आपने, कि वो ना। अच्छा, तो आप क्या करेंगे कि वो? सर अगर मैं उसको ये कहूँगा क्या मैं आपके बाग से सेब खा सकता हूँ, तो वो ऑब्वियसली मुझे कहेगा कि नहीं, तो सेब खाना है इसका मतलब मस्ट जी। सर मैं उससे ये पूछूँगा कि क्या मैं आपके बाग से सेब खा सकता हूँ, आपको कोई इतराज़ तो नहीं? तो वो कहेगा नहीं, तो मैं सेब खा रहा हूँ। ओके, गुड। अच्छा, आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप मुझे बताइए। आप एक बंद रूम में फंस गए हैं, सर, ठीक है, और उस रूम में एक बहुत बड़ा सुराख है जो कि काफ़ी ऊंचाई पर है। जी सर। लेकिन आप उस ऊंचाई तक पहुंच नहीं सकते, तो आप उस रूम से कैसे निकलेंगे बाहर? सर कोई ऑप्शन मेरे पास, कोई चीज़? चले मिसाल के तौर पर आपके पास एक बेलचा है। ठीक हो गया सर। सर मैं अगर सुरंग खोदूँ तो सुरंग में तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, काफ़ी दिन लग जाएंगे, आप अकेले अर्जेंट उसको नहीं फिल कर सकते। सर मैं ऐसे करूँगा कि मैं मिट्टी खोदूँगा और मिट्टी खोद के उसका ढेर लगाऊँगा, और जब ढेर लग जाएगा तो उससे ऊपर चढ़ के मैं उस राख से बाहर निकल जाऊँगा। ठीक है, गुड। ठीक है मिस्टर वकास, आप मुझे बताइए ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर येलो कलर का क्रॉस क्यों लगा होता है? येलो क्रॉस क्यों होता है ट्रेन के लास्ट डिब्बे पर? सॉरी सर।
चलें ठीक है, गुड, ओके, थैंक।